मैं हूँ राजेश नताशा मोहन और आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आप में से इतने सारे लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो भी करके देख चुके हैं और बुरी तरह से फेल भी हो चुके हैं। क्योंकि कोई आपको कहता है कि बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज जो भी मन करे खा लेना, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करके देखना, बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ करके देख लिया, कितने पापड़ तल के देख लिए, फिर भी पतले नहीं हुए, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक साइंटिफिक मेथड है। बिल्कुल सटीक तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों ने तो भारती सिंह, जो हम सबकी फेवरेट कमेडियन है, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में सुना ही होगा। इतने किलो कम करके उन्होंने सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपनी काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज को भी रिवर्स कर दिया। तो आज मैं आपको ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान दूंगी जिसको फॉलो करके आप आसानी से अपना वेट लॉस गोल अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान दूंगी, सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह है इंडियन इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान, जिसके अंदर घर का बना हुआ खाना खाकर ही अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो कैसे पतले हो सकते हैं मैं बताऊंगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ईजी टू मेक फॉलो रेसिपीज हैं, और तो और ये बजट फ्रेंडली है। अब आपकी जेब भी नहीं हल्की होगी, अगर हल्का होगा तो सिर्फ आपका वजन। तो अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 10,000 लाइक्स पर ही मुझे इशारा मिल जाएगा कि आप लोग बेहद बेसब्री से इंतज़ार करते हैं मेरे वीडियोस का और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर आपको जानना है कि इस प्लान को कौन कौन फॉलो कर सकता है और किसे इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। और तो और अगर आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्लान के नाम पर सारा उल्टा पुल्टा खाना खा के सोचते हैं कि अब तो खा लिया, बस फास्टिंग विंडो में सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन उसकी जगह आप लोगों के चेहरे की शाइन चली जाती है, आपका ग्लो चला जाता है, नाखून वीक हो जाते हैं और तो और बाल भी गिरने लगते हैं, क्योंकि शायद आप लोग समझे ही नहीं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस चिड़िया का नाम है। आइए अब ये डाइट प्लान शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बड़ा ही आसान सा खाना खाने का नियम है जो हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलता है, जिसको बुलाया जाता है सर्केडियन रिदम। जब हम खाना खाते हैं तो वो हो जाती है हमारी ईटिंग विंडो, और जब हम खाना नहीं खाते तो वो हो जाती है हमारी फास्टिंग विंडो। बस आपने इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपकी ईटिंग विंडो है उसी में आप खाना खाएं और फास्टिंग विंडो में ना खाएं। बस इतना ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को वेट लॉस रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ईटिंग विंडो कितनी होनी चाहिए और फास्टिंग विंडो कितनी होनी चाहिए बेस्ट वेट लॉस रिजल्ट्स के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब जो ईटिंग विंडो है, ज़्यादातर लोग रखते हैं 8 घंटे की, और अपनी जो फास्टिंग विंडो है वो 24 घंटे के साइकिल में से 24-8 करके 16 घंटे ही निकलता है। तो काफ़ी लोग 16 घंटे का फास्ट रखते हैं और काफ़ी लोग हैं जो 8 घंटे नहीं 10 घंटे भी खाना खाना चाहते हैं, तो उनकी फास्टिंग विंडो जो है उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अब जो आपकी फास्टिंग विंडो है, जब आपने खाना खाना ही नहीं है तो क्या ये जायज़ सी बात नहीं है कि रात का समय ही चूज़ करते हैं लोग कि कम से कम 8-10 घंटे उसमें सोते हुए ही निकल जाए, ताकि आपको जो मेन फास्टिंग वाला पार्ट है सिर्फ 4 या 6 घंटे का ही करना है। तो इसी को बुलाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह से लेकर रात तक आपको किस तरह का प्लान फॉलो करना चाहिए, जिसको फॉलो करके आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे, इजी टू फॉलो भी है, और बिल्कुल घर का सिंपल सादा खाना खाकर ही आप ये वाला प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 14 घंटे की फास्टिंग के प्लान के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया है आधे से ज़्यादा लोगों पर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 16 या 18 घंटे ही भूखा रहना है, पहले धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को आदत डालनी शुरू करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो होगी सुबह 9 बजे, 9 बजे आपने अपना फास्ट तोड़ना है, और आपने अपना फास्ट तोड़ते ही सबसे पहले जो चीज़ लेनी है, आइए मैं दिखाती हूँ। तो 9 बजे आपके लिए मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पर बढ़िया सा ऑप्शन है 2 ग्लास गुनगुना पानी। लेकिन फास्टिंग विंडो के दौरान आपको सिर्फ पानी पीना ही अलाउड है, तो जिन लोगों ने खूब सारा पानी पी लिया है वो चाहें तो सेकेंड ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं।
मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिया एंड लेमन वाटर की ड्रिंक, क्योंकि गर्मियों में आप लोगों को हाइड्रेटेड रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों ने लेना है तकरीबन एक छोटा चम्मच चिया सीड्स या फिर सब्जा सीड्स, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हैं और जो आपके बजट में फिट होती हैं। उनको रात को एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और डाल दीजिए 2 नींबू की कटी हुई स्लाइसेस। सुबह सुबह इस पानी को एज इट इज पीजिए, गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट मील क्या है। तो 9 बजे अपनी ड्रिंक लेने के बाद 9:30 बजे आप लोगों ने लेना है कोई भी एक फ्रूट। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कोई भी एक सीजनल फ्रूट का। मेरा तो फेवरेट एप्पल है, क्योंकि मुझे पता है कि इस एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, खास करके जब अच्छे से धुला हुआ हो और छिलके के साथ खाया जाए। आप चाहें तो एक बोल भर के पपीते का ले सकते हैं, एक पूरा केला ले सकते हैं, या फिर आप चाहें आम भी ले सकते हैं। अब जल्दी से अपना मॉर्निंग फ्रूट ले लीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नाश्ते में। 9:30 बजे जब आप लोगों ने अपना फ्रूट ले लिया है सुबह, तो 11:30 बजे तक तो भूख लग ही जाती है, तो इस टाइम मन करता है कुछ छुटपुट कुछ भी खाने का। लेकिन अपना समय क्यों व्यस्त करें इसमें और उसमें, सीधा सीधा अपना लंच कर लेते हैं। तो 11:30 और 12 बजे के बीच में आप लोगों ने अपना लंच लेना है। यहाँ पर आपने लेनी है 2 रोटी, चाहे वो गेहूं के आटे की बनी हो, रागी की, बार्ले, ज्वार, कोई भी मिलेट की, जो भी आपको सूट करती है। तो मेरे घर में आज गेहूं की रोटी बनी थी, मैं उसी की रोटी बना के आपको दिखा रही हूँ। और नेक्स्ट मैं लूंगी 1 कटोरी भर के दाल, साथ में कोई भी हरी सब्जी जो घर में बनी हो। इसमें नखराज नॉट अलाउड, घिया, तोरी, टिंडा सब खाना सीख लीजिए। साथ में हम लेंगे प्लेट भर के सलाद। देखिए सलाद की क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी है हम लोगों ने, क्योंकि इस खाने को पचाने में सैलेड हमारी बहुत मदद करेगा। और अपनी रोटी के ऊपर घी लगाना ना भूलें। और जिन लोगों को रोटी पसंद नहीं है वो ले सकते हैं एक बड़ा बोल भर के चावल का, चाहे तो राजमा लीजिए, उसको कढ़ी के साथ लीजिए, जो मन में आए खा सकते हैं, बस कम तेल में बना हुआ हो। तो इसी तरह से अपने थाल को सजाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान है, सब कुछ खाने को मिलेगा, आगे आगे देखते रहिए क्या क्या है। अब मेरी घड़ी में 3 से 4 घंटे हो चुके हैं लंच करे। अब मुझे ही जब छोटी मोटी भूख लग रही है तो आप लोगों को भी तो लग रही होगी। तो इस समय पे ऐसा क्या खाएं कि हमारे को पच भी जाए और हमारे को लंबे समय तक भूख भी ना लगे। बेस्ट ऑप्शन है कोई पैकेट नहीं खाना, ना ही खोलना है। आप लोगों ने इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। आपने लेनी है घर की बनी हुई चाट। इसमें अगर आप चाहें तो सफ़ेद चने की चाट या फिर काले चने की बना के खा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो स्प्राउट्स की चाट भी ले सकते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ मेरी फेवरेट सफ़ेद चने की चाट की रेसिपी। इस चटपटी चाट को बनाने के लिए हम लेंगे दही 2 चम्मच और लेंगे लहसुन की पेस्ट। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर चंद सूखे मसाले जो घर घर में मौजूद होते हैं। अब मसाले डालते ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड वी आर रेडी टू पुट इन द चनाज। सफ़ेद चने को रात को भिगोने के बाद, उबालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े चम्मच। और अब मैं डाल रही हूँ आलू, वो भी सिर्फ 1 बड़ा चम्मच। नेक्स्ट इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ शिमला मिर्च, प्याज, खीरा, टमाटर। अब खूब सारा हरा धनिया डालेंगे एंड वी आर रेडी विद अ चटपटी चने की चाट। नेक्स्ट हम इसके अंदर डेकोरेशन के लिए, ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे सेसमे सीड्स। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का, इनको रोस्ट करने के बाद ही डाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बढ़िया सी सफ़ेद चने की चाट की रेसिपी कैसी लगी। और बिल्कुल इसी तरह से मेजर्ड क्वांटिटी से अपना खाना बनाना सीखिए, कभी भी आप लोग गलत नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिनर की ओर। अब मेरी घड़ी में बज रहे हैं 6:30 और बहुत ही कम समय है सिर्फ अपने डिनर की तैयारी करने का। मैं लाई हूँ झटपट मिनटों में बनने वाली रेसिपी, जो कि है हाई फाइबर हाई प्रोटीन, पेट भी भर जाएगा, लो कार्बोहाइड्रेट भी है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। आइए जल्दी से बनाते हैं अपने लिए ये बड़ा ही दिलचस्प सा परांठा। इसके अंदर ऐसा क्या है भला जो पेट भी भर दे और पतला भी कर दे, आइए मैं दिखाती हूँ। चलिए आइए बढ़िया सा ये परांठा तैयार करते हैं। उसके लिए हमने लिया है घिया कद्दूकस करा हुआ तकरीबन 2 बड़े चम्मच, और हम डाल देंगे बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज भी डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ फॉर दैट क्रंच,
और मैं चंद मसाले जैसे कि अजवाइन है, अमचूर है, धनिया पाउडर है और है थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल देंगे। और अब मैं ले रही हूँ इसके अंदर एक चम्मच ओट्स का आटा और एक चम्मच नॉर्मल गेहूं का आटा। इस मिश्रण को ऐसे मिक्स करेंगे कि एक ढीले से आटे की शेप में ये बन जाए। बस अब हम एक नॉनस्टिक पैन के अंदर अपनी रोटी को बिछा लेंगे और बढ़िया सी एकदम करारी सी रोटी बना के अपने लिए तैयार कर लेंगे। साथ में मैं ले रही हूँ लहसुन और टमाटर की चटनी बिल्कुल बिना तेल के। आप लोग चाहे तो इसके साथ में कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं। तो अब इस परांठे की रेसिपी तो आप लोगों ने देख ली जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन रोज रोज इसको खाकर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के पास है कि आप या तो ओट्स या दलिया ले सकते हैं खूब सारी सब्जियां डाल के। ओट्स और दलिया को रखिए 30 ग्राम्स और उसमें सब्जियां 50 या 100 ग्राम तक आराम से डाल सकते हैं जो आपका मन करे। अच्छा सा बोल भर के नमकीन दलिया बनाइए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको अलावा भी अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स जो वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं किस प्रकार का डिनर खाते हैं। यहाँ पर हर प्लेट की एक नंबरिंग है, आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि कौन से नंबर का मील आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरे दिन में बैलेंस्ड मील्स खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट डाइट मेंटेन करेंगे, तो चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें या कोई भी अपने तरीके से भी डाइटिंग करें, जरूर वेट लॉस होगा। अब इस मील प्लान में आपने नोट किया होगा कि बड़ी ही पते की बात, आप लोगों ने खाए हैं 2 मेन मील्स और आपने लिया है 1 लाइट स्नैक। तो ऐसे ही अगर आप अपने दिन को प्लान करेंगे तो वेट लॉस क्यों नहीं होगा, पक्का होगा, ये मेरी गारंटी है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जिनको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान नहीं फॉलो करना चाहिए। उनमें सबसे पहले तो आते हैं हाइपरटेंशन बीपी वाले पेशेंट्स जिनका बीपी फ्लक्चुएट करता है और जो लोग दवाइयां लेते हैं। प्लीज़ आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो ना करें। और वो पेशेंट्स जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2, एंड ऑल्सो पीपल मे बी हुआ प्री डायबिटिक, तो आप लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह से ही ये वाला प्लान फॉलो करना चाहिए। एंड ऑल्सो पीपल जो कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं या फिर जो लोग थायराइड की दवाई खाते हैं, सुबह उठते ही आपको अपनी थायराइड की मेडिसिन लेना अनिवार्य है। आप कुछ भी छोड़िए, अपनी थायराइड की दवाई ना खाना छोड़िए। और जो लोग इस डाइट प्लान को फॉलो करने की सोच रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए, रात को टाइम से सोना पड़ेगा, कम से कम 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। और पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ना भूलें। बहुत सारी गर्मी हो रही है भाई, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना सीखिए। और हाँ, आज का डाइट प्लान कैसा लगा जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके, और कोई सवाल है वो भी पूछ डालिए। मैं हमेशा आतुर रहती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देने में। मैं मिलूंगी आपको और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।